अपनी अच्छी खासी पहचान बनाकर इंडस्ट्री छोड़ चुकी सना खान ने अपने करियर में काफी काम किया। उन्होंने टीवी रियलिटी शोज में तो हिस्सा लिया ही, साथ ही कुछ फिल्मों में भी दिखाई दी। फिर अचानक एक दिन उन्होंने मन बना लिया कि अब वो इस ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन सकती हैं। इसके बाद सना ने इबादत का रास्ता चुन लिया। अब सना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, जहां वो नेक बातों से अपने फैंस का दिल जीतती रहती हैं। बता दें, हाल ही में सना ने खुलासा किया कि उन्होंने इस ग्लैमर वर्ल्ड को क्यों अलविदा कह दिया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बहुत बड़े टीवी रियलिटी शो का ऑफर आया था, लेकिन तब तक वो फैसला कर चुकी थी। ऐसे में साल 2020 में उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली। फिर साल 2020 में ही सना खान ने अनिल सैयद के साथ निकाह पड़ा था। बता दें, रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 में नजर आई थी। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने इस सीजन को होस्ट किया था। उस सीजन में सना 9वें स्थान पर रही थी। इसके बाद अगले सीजन में जब उन्हें बुलाया गया तो सना ने शो के ऑफर को ठुकरा दिया था। सना कहती हैं कि उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि तब तक वो फैसला कर चुकी थी और धार्मिक रास्ते पर चल पड़ी थी। सना और अनस का कहना था, जब सना ने धार्मिक राह चुनने का फैसला ले लिया था, तब उस वक्त उनके रास्ते में कई बार ऐसे मौके आए जो उनके इस फैसले को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन सना अपने फैसले पर डटी रही। सना ने बताया, 2019 बहुत ही कठोर था, रमजान का महीना था। उस महीने के अंत में मुझे अजीब चीजें दिखने लगी थी, मुझे जलती हुई कब्रें नजर आती थी, मैं अकेली चिल्लाती हुई मदद मांगती हुई नजर आती थी, मैं रातों में सो नहीं पाती थी क्योंकि मुझे डर लगता था। बाद में मैं सोचती थी ये तो एक सपना है। हफ्ते भर मेरे साथ ऐसा ही होता रहा, करते करते 10 दिन बीत गए। इसके बाद मेरे अंदर बदलाव होने लगे, मैंने ये किसी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि आप किसी को खुद को जज करने का मौका नहीं देना चाहते। इसके बाद सना के लाइफस्टाइल में बदलाव आने लगे और कुछ समय बाद उन्होंने टीवी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सना ने ये भी बताया था कि अगर वो खतरों के खिलाड़ी शो के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती तो भी अनस को कोई परेशानी नहीं होती। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर आएं। और ऐसी ही तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।